आज हम बात करेंगे कनाडा से जो तीन नई अपडेट्स आई हैं उसके बारे में। जो पहली अपडेट है वो है पीआर को लेके, एक्सप्रेस एंट्री को लेके, एक स्टूडेंट्स वीजा के लिए भी गुड न्यूज है, और एक जो थर्ड अपडेट है वो है ओपन वर्क परमिट वालों को लेके। तो ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, इस वीडियो में सारी इसी के बारे में चर्चा करेंगे। बेल्स ओवरसीज, द साउंड ऑफ योर फ्यूचर। हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। जैसा कि इस चैनल के थ्रू हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आप तक पहुंचाई जाए, जैसे ही अपडेट्स आती हैं हम आपको पहुंचाते हैं ताकि आप नॉलेजेबल रहें और अपडेटेड रहें और अपने लाइफ में सही डिसीजंस ले सकें। तो आज की वीडियो में जो तीन मेजर अपडेट्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। जो पहली अपडेट है वो है एक्सप्रेस एंट्री को लेके। आपको भी पता कि 2 साल से भी ज़्यादा का टाइम हो गया एक्सप्रेस एंट्रीज के ड्रॉज नहीं निकले। फाइनली चलो जुलाई में ये स्टार्ट हुआ है, फर्स्ट ड्रॉ निकला है। थोड़ा सा जो इमिग्रेंट्स के जिन्होंने अप्लाई किया हुआ एप्लीकेंट्स हैं वो थोड़े से निराश हुए हैं। उनकी निराशा का कारण है कि सिर्फ 1500 ही एप्लीकेंट्स को इनवाइट्स मिला है, 1500 को करीब इनवाइट्स मिला है, और इसकी जो कट ऑफ लिस्ट है वो भी 550 के अराउंड गई है, जो कि काफ़ी हाई है। अगर हम देखें तो पहले ये जो कट ऑफ लिस्ट थी बिफोर कोविड तो ये 470 के अराउंड जाती थी जब पहले ड्रॉज निकलते थे। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आपको डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है। आने वाले टाइम में जैसे जैसे ये और ड्रॉज निकलेंगे तो ये कट ऑफ लिस्ट 500 से नीचे आ जाएगी ऑटोमेटिकली। और दूसरा जो चेंज आया वो ये है कि अब आपको अप फ्रंट मेडिकल करवाना कंपलसरी हो गया है। आप या अगर आपकी फैमिली ने अप्लाई किया हो तो सभी को अप फ्रंट कराना कंपलसरी हो चुका है। और अब हम बात करते हैं स्टूडेंट वीज़ा को लेके, जो गुड न्यूज़ है स्टूडेंट्स के लिए। अभी जो रिसेंटली जो चेंजेस आई हैं कनाडा में, ऐसे होता है कि यहाँ पर पहले प्रपोजल्स आती हैं। अभी एक रिसेंट प्रपोजल आई है वर्क परमिट को, कि जो स्टूडेंट्स को वर्क राइट होते हैं वीकली 20 आवर्स के, उसको बढ़ाने के लिए। पहले भी ये काफ़ी टाइम पहले भी ये चर्चा चली थी, तब इसको उन्होंने नहीं माना था, कि उन्होंने ये कहा था कि गवर्नमेंट ने कि कहीं ना कहीं स्टूडेंट की जो स्टडी है उससे कंप्रोमाइज़ होता है। लेकिन अब ये दोबारा से प्रपोजल आई है और इस बार उम्मीद है कि शायद जो गवर्नमेंट है इसकी फेवर में डिसीजन ले ले कि वहाँ पर भी आपका वर्क परमिट बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी ये गवर्नमेंट कर चुकी है कि वहाँ पर 40 आवर्स का वर्क राइट है, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का काफ़ी क्रेज़ बढ़ा था। तो ये कहीं ना कहीं जो कंपटीशन चलता है आपस में कंट्रीज़ का भी स्टडी वीज़ा को लेके, क्योंकि ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, कोई भी कंट्री ये नहीं चाहती कि स्टूडेंट्स हमारी कंट्री से कम हो। तो इसलिए हो सकता है कि आने वाले टाइम में, ये अभी प्रपोजल गई है, प्रपोजल के बाद गवर्नमेंट अप्रूव करेगी इसको, फिर उसके बाद ये चीज़ इम्प्लीमेंट होगी। तो इसलिए स्टूडेंट्स, ये सिर्फ अभी प्रपोजल है, लेकिन ये अच्छी न्यूज़ है, पॉजिटिव न्यूज़ है स्टूडेंट्स के लिए। और तीसरी जो अपडेट है वो है वर्क परमिट को लेके, ओपन वर्क परमिट, यानी कि जिनका स्पाउस वीज़ा जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है उसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई है। पहले काफ़ी टाइम से ये वीज़ा उसकी बड़ा स्लो प्रोसेसिंग चल रही थी, तो अब जो है बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको कि उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि आप अपने फंड्स फाइनेंशियल्स को दोबारा भेजिए, या कईयों का जो वर्क एक्सपीरियंस था उन्होंने वो पूछा है कि आप दोबारा से उसके दीजिए सर्टिफिकेट्स। तो उस केस में देखिए कि आपकी प्रोसेसिंग हो चुकी है। हाँ, स्टूडेंट्स जो भी स्पाउस वीज़ा जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है वो ये गलती बिल्कुल ना करें कि अब आप फ्रेश फंड डाल के उनको दोबारा से दिखा दें या बैलेंस सर्टिफिकेट भेजिए, ये गलती बिल्कुल मत करें। जिस अकाउंट में आपने पहले से पैसे रखे थे, अब अगर उतने भी पैसे हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हुआ है तो कोई बात नहीं। अगर मान लीजिए अगर आपके 10 लाख पड़े तो 9 हो गए, कोई बात नहीं, तो भी आप वही फंड्स दिखाइए। अगर आपने फंड्स एक्स्ट्रा दिखाने भी तो दूसरे किसी अकाउंट में वो पैसे जमा करा के वो अलग से भी दिखा सकते हैं, लेकिन उस अकाउंट में मत जमा कीजिए फ्रेश फंड्स। कुछ ये एप्लीकेंट्स गलती करते हैं कि दोबारा से उसमें फंड्स पैसे डाल के उसकी स्टेटमेंट दिखाएंगे, वो बिल्कुल गलती मत करें। दूसरा, जिनसे जॉब के लिए मांगा गया है तो वो भी आप इमीडिएटली उनको दोबारा से अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या जो भी चीज़ें हैं सैलरी स्लिप्स वगैरह वो भेज दीजिए, ताकि आपका डिसीजन लेने में उनको आसानी हो। तो ये जो तीनों अपडेट थी जो हमें कनाडा से आई थी। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है किसी भी कंट्री को लेके, चाहे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, यूके, न्यूजीलैंड, जर्मनी, तो आप नीचे हमें कमेंट कर सकते हैं, हम हर कमेंट का आपको रिप्लाई करते हैं। और साथ में आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 6292062920 पर भी कॉल करके अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बिजनेस और कॉल अस फॉर वीजा सर्विसेज, फॉलो अस ऑन आवर सोशल हैंडल्स फॉर ऑफर्स एंड न्यू अपडेट्स।